Now, let me explain to you some other concept in direct and bending stresses. ठीक है? अभी हम लोग एक नया concept सीखेंगे. That is called as condition for no tension. Condition for no tension in the section. Condition for no tension in the section. Now we'll see this. Okay. Now what is the meaning of condition for no tension in the section? हम लोगों ने देखा है, in case of direct and bending stresses, if sigma max is positive, it means it is compressive stress. If sigma max is okay, if sigma min that is negative, it means it was tensile stress. That is, if sigma max is positive, then it is compressive stress. Okay. Next, we have seen if sigma min, that is minimum stress, is negative, then it is tensile stress. Okay, abhi, see what is the meaning of compressive stress, tensile stress, or phir no tension condition? Ye actually hai kya? If I draw a diagram, just pay attention. अगर यहाँ पे मैं एक कॉलम ड्रॉ करता हूँ, if we have a column here, no, here I have the axis of the column. Okay, load P is located at eccentricity small e. Fine, अभी if I draw the top view for this, यानी अगर मैं आपको section बताऊँ, and if I consider it as a rectangle section, then here I have x axis, here I have y axis. Okay, तो अभी ये जो load है, this load is along x. Okay, it is along x. Now if I give naming to this rectangle A, B, C, D, मैंने आपको ये बताया था कि लोड जिस फेस के या तो जिस एज के क्लोज रहेगा वहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम होगा. अगर आप यहाँ पर देखते हो इन दिस डायग्राम, सो बी सी इज़ क्लोजर टू द लोड कंपेयर टू ए डी, तो बी सी में होगा मैक्सिमम स्ट्रेस, ए डी में हो जाएगा मिनिमम स्ट्रेस. आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस. फाइन, नाउ सी, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, इफ मैक्सिमम स्ट्रेस इज पॉजिटिव, मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है बी सी पे, सो इफ एट बी सी मैक्सिमम स्ट्रेस इज पॉजिटिव मीन्स बी सी वुड बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस. यानि यहाँ पे आई हैव बी सी एंड इट विल बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानि ये बी सी एंड जो है इट विल बी प्रेस्ड टू द ग्राउंड, ओके, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन. एंड इफ सिग्मा मिन इज नेगेटिव देन टेंजाइल स्ट्रेस, मीन्स minimum stress will be at AD, and here if AD is minimum means the stress at A and D it is minimum, then what will happen, agar yahan pe stress minimum ho jayega, because of that AD will be lifted. Yani iska matlab kya hai ki agar ye structure hai, column hai, iske upar jaise hi eccentric load aata hai, BC will be pressed against the ground and AD will be lifted. यानी ये इस तरह से turn होगा. It will be turning like this. Okay, कि जो ends BC है they would be pressed और AD would be lifted. यानी ये end AD जो है वो lift हो जाएगा. Means it will be something like this. The structure will move. Okay. And it, if it is moving, then it is very harmful. ये structure कभी भी इस तरह से ऐसा move नहीं होना चाहिए because of eccentric load. So हम लोग क्या चाहेंगे यहाँ पे, what would be our condition, कि
इन द स्ट्रक्चर टेंशन शुड नॉट बी देयर, क्योंकि जैसे ही एडी पे देयर इज टेंशन वो ग्राउंड से लिफ्ट हो जाता है. ओके, इट विल बी लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड. सो द कंडीशन फॉर नो टेंशन इज दैट योर डायरेक्ट स्ट्रेस विच इज कंप्रेसिव इट शुड बी ग्रेटर देन और एट द मैक्स इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस. यानी बेंडिंग स्ट्रेस शुड बी लेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी मोर. क्योंकि जितना डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा उतना कंप्रेशन होगा और ए डी और बी सी ग्राउंड से प्रेस्ड होगा. लेकिन जैसे ही बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टेंजाइल स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से ए डी गेट्स लिफ्टेड. ओके, सो योर कंडीशन इज सिग्मा डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा बी. नाउ वी नो सिग्मा डी इज लोड अपॉन एरिया डायरेक्ट स्ट्रेस, ये हमें मालूम है. बेंडिंग स्ट्रेस के लिए आई कैन राइट इट एज इट इज बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट इज एम अपॉन जेड, दैट इज बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्यूलस. नाउ हियर आई हैव पी अपॉन ए ग्रेटर देन बेंडिंग मोमेंट इज इट इज पी इंटू ई पी मल्टीप्लाइड बाई ई. जेड कैलकुलेट करना है हमें फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन. एक्सेंट्रिसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यूब बाई ट्वेल्व, डी बी क्यूब बाई ट्वेल्व एंड वाई इज इक्वल टू बी बाई टू. सो जेड इज इक्वल टू जेड विल गिव यू द वैल्यू एज डी बी स्क्वायर बाय सिक्स. सो जेड इज डी बी स्क्वायर बाय सिक्स. तो जेड की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्स है तो वो सिक्स आ जाएगा इन टू द न्यूमरेटर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सी हियर व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस. इफ आई लुक एट बोथ द साइड्स, इफ आई लुक ऑन बोथ द साइड्स देन यर पी एंड पी विल गेट कैंसल आउट. एरिया की जगह पे मैं लिख सकता हूँ दैट एरिया यर आई हैव रेक्टेंगल सेक्शन तो एरिया विल बी पी इंटू डी. ठीक है, इफ आई सी फ्रॉम लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट साइड यहाँ से बी विल गेट कैंसल आउट, बी विल गेट कैंसल आउट और इधर से एक बी कैंसिल हो जाएगा, डी गेट्स कैंसल आउट और यहाँ से एक डी कैंसिल हो जाएगा. सो वॉट रिमेन्स यहाँ पे ऑन दिस साइड. ओके, एवरीथिंग इज कैंसल. यहाँ पे हमारे पास सिक्स है डिवाइडेड बाय बी. सो वॉट इज ई, ई आई कैन राइट इट डाउन इट इज लेस देन और इक्वल टू. ओके, हियर इट विल बी बी बाय सिक्स, बी डिवाइडेड बाय सिक्स. सो एक्सेंट्रिसिटी इज मीन्स ये रिलेशन हमें क्या मिला कि अगर हमारा एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू इफ इट इज लेस देन, इफ इट इज लेस देन बी बाय सिक्स, यानी अगर हमारा एक्सेंट्रिसिटी ई का वैल्यू जहां पर हम लोग ये लोड को प्लेस कर रहे हैं दिस वैल्यू, इफ दिस ई इफ इट इज लेस देन बी बाय सिक्स तो हमारे ये स्ट्रक्चर में कभी भी टेंशन आएगा ही नहीं. दैट इज द मीनिंग. इट मीन्स देर वोंट बी एनी टेंशन. सो दिस इज द कंडीशन फॉर नो टेंशन. क्या है वो कंडीशन? डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस. कि डायरेक्ट स्ट्रेस कॉम्प्रेशन जितना भी होगा चलेगा, टेंशन शुड नॉट बी देर. फाइन, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नो टेंशन वेयर डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस. और नो टेंशन कंडीशन से ही हमें मिलता है एक्सेंट्रिसिटी, यानी हम लोग लोड को कितने डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे ताकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है उसमें कहीं पर भी जो है टेंशन नहीं आए और वो ग्राउंड से लिफ्ट ना हो. सो वी हैव अंडरस्टूड द कंडीशन फॉर नो टेंशन. नाउ आफ्टर दिस लेट मी शो यू सम अदर कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज मिडिल वन थर्ड रूल. इट इज कॉल्ड एज मिडिल वन थर्ड रूल. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडिल वन थर्ड रूल. फॉर दिस आई विल बी कंसिडरिंग अ रेक्टेंगल. आई विल से दैट द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज स्मॉल बी, डेप्थ इज स्मॉल डी. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडिल वन थर्ड रूल. फॉर दिस फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द एक्सिस. हियर आई हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस.